हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड साइंस टेक्नोलॉजी में मैंने लास्ट क्लास में आपको रिन्यूएबल एनर्जी की बेसिक्स चीजों के बारे में बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। इनफैक्ट मैंने एनर्जी के बारे में, पावर के बारे में भी आपको बेसिक चीजों पे अंडरस्टैंडिंग दी है आपको, और रिन्यूअल की बात की। रिन्यूअल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि रिन्यूअल एनर्जी क्या है और कैसे हम सोच सकते हैं कि वो रिन्यूअल एनर्जी हमारे लिए फायदेमंद है ना। तो रिन्यूअल एनर्जी को मैंने डिफ्रेंशिएट किया था, आपने देखा। उसके बाद मैंने रिन्यूअल एनर्जी की बेनिफिट्स बताई, उसका यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, एक ब्रॉड परस्पेक्टिव में मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने लास्ट क्लास में आपको रिन्यूअल के लिए कुछ चीजें मैंने बात की थी। लास्ट क्लास में आपको याद होगा, लास्ट में जाते जाते मैंने कुछ चीजें बताई थी आपको रिन्यूअल के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि रिन्यूअल एनर्जी हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसमें हम लोगों को सोलर पढ़ना है, विंड पढ़ना है, हाइड्रो, टाइडल, जियोथर्मल और वेव एनर्जी भी है। ओटेक के फॉर्म में पढ़ सकते हो, अलग अलग फॉर्म में, ठीक है ना, ओशियन में। लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी है। सोलर से क्वेश्चन बहुत आते हैं और सोलर को ज्यादा टेक्निकली नहीं समझना है कि सोलर पीवी सेल को आप समझने लगे कि भैया उसमें कैसे कैसे कंडक्टर्स यूज, सेमी कंडक्टर्स यूज हो रहे हैं, एन टाइप, पी टाइप क्या है, वो आपको नहीं समझना है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी आपको उतना नहीं समझना है। यस, सब्जेक्ट का नाम है टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट उतना आता नहीं है डिटेल में। हाँ, एक लिमिट तक पूछी जरूर जा रही है ना, तो एक लिमिटेड है कि इस लेवल तक पूछा जा रहा है, बट ऐसा नहीं कि बहुत टेक्निकल इंजीनियरिंग लेवल पे पढ़ना है, नहीं, वो स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए आपको, ठीक है। और उसके बाद सोलर पढ़ेंगे, सोलर वाले पोर्शन हम लोग लास्ट में रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें करके उसके बाद हम लोग क्या है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, जैसे जवाहरलाल नेहरू का प्रोग्राम हो गया, कुछ एक्सप्लोरेशन टेक्निक नेल्प हेल्प के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। स्मार्ट ग्रिड क्या है, ऑफ ग्रिड क्या है, ऑन ग्रिड थोड़ा समझ लोगे आप, नेट मीटरिंग क्या है ये समझ लोगे, इन चीजों के बारे में आप लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग न्यूक्लियर में जाएंगे, तो न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह देखेंगे, सन वाली, और न्यूक्लियर फिशन देखेंगे, और अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को देखेंगे क्या क्या, थ्री स्टेज प्रोग्राम क्या है भाभा जी का, है ना, होमी जहांगीर भाभा का। उसके बाद हम लोग न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, उसके बाद स्पेस, स्पेस में मैंने थोड़ा सा टच दिया था आपको साउंडिंग रॉकेट्स पे, याद होगा, ठीक है। तो वो हम लोग तो थोड़ा बात किया मैंने आपसे, बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे जितनी रिक्वायर्ड आपके एग्जाम में, चाहे साउंडिंग रॉकेट हो, चाहे ASLV हो, SLV हो, PSLV हो, GSLV हो, RLV हो, कोई हो, ठीक है, इन चीजों की बात हम करेंगे। उसके बाद हम लोग ICT करेंगे, मोबाइल के बारे में, है ना, जैसे आप जानते हो कि लाईफाई क्या है, वाईफाई क्या है, हॉटस्पॉट क्या है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, कंप्यूटर क्या है, है ना, डोमेन नेम सिस्टम क्या है, आपने देखा होगा डोमेन नेम क्या आती है मोबाइल पे, URL क्या है, ये सारी चीज आप सर्च करते हो तो आता है उसमें, डोमेन लिखता है /upsc.gov.in, है ना, ऐसे कुछ आती है। तीन चीजों की क्या मीनिंग होती है वो बताऊंगा मैं आपको, जितनी रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपको क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड होस्टिंग क्या है, DNA कंप्यूटिंग क्या है, इन चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग किस वर्ग पे काम करती है और कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ती है उसमें। और उसके बाद आपको कुछ सॉकेट लेयर फायरवॉल क्या है कंप्यूटर में, है ना, कंप्यूटर में फायरवॉल क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर थोड़ा बहुत वर्क कैसे करता है, क्या उसकी टेक्निक है वर्क करने की, है ना, नॉर्मल कंप्यूटर क्या होते हैं, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, इन चीजों के बारे में, आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, इन चीजों के बारे में कंप्यूटर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग तीन चार टेक्नोलॉजी है, नैनोटेक बायोटेक से मेंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं, मेंस में राइटिंग में क्वेश्चन बहुत आते हैं, और बायोटेक से इनफैक्ट प्री में भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो नैनोटेक बायोटेक हो गया, रोबोटिक्स हो गया, इन चीजों के बारे में, सुपर कंडक्टिविटी थोड़ा बहुत है आपको पढ़ना है, सुपर कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा बहुत वो बता दूंगा, सुपर कंडक्टिविटी, रोबोटिक्स हो गया, नैनोटेक हो गया, बायोटेक हो गया, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको मेंस में क्वेश्चन आता है, प्री में नहीं आता, ठीक है, बहुत रेयर चांस है कि प्री में अभी तक आया भी नहीं है शायद, ठीक है। तो वो चीज आपको धीरे धीरे हम लोग कराएंगे। उसके बाद एक पार्टिकल फिजिक्स है और स्पेस के बारे में थोड़ा बहुत जानना है आपको, है ना, यूनिवर्स के बारे में, बिग बैंग थ्योरी वगैरह। तो बिग बैंग थ्योरी वगैरह कहीं ना कहीं मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्लैनेट के ओरिजिन वगैरह मैं बाद में लाकर कराऊंगा, पहले बिग बैंग होती है उसी समय प्लैनेट नहीं बन जाते हैं। बहुत लोग मैंने देखा है कि बिग बैंग के समय ही प्लैनेट बना देते हैं, नो, बिग बैंग के समय प्लैनेट नहीं बना है, बिग बैंग के कई लाखों साल बाद जाके प्लैनेट्स वगैरह बने हैं, ठीक है। तो प्लैनेट्स के फॉर्मेशन अलग है, नेबुलर हाइपोथेसिस वगैरह वो अलग है, बिग बैंग बहुत अलग है, बहुत पहले है, 15 बिलियन ईयर ago, 14 बिलियन ईयर ago, 13.7 बिलियन ईयर ago, अलग अलग लोगों ने अलग अलग एस्टिमेट्स दिए हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कौन सा एस्टिमेट आपको याद रखना है। तो ये चीजें डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफी में भी मुझे बात करना है इसीलिए, और ज्योग्राफी में भी एनर्जी में बहुत जगह बात करूंगा, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ टेक्नोलॉजी व्यू है, ये ध्यान रखना, और एनर्जी में एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी एनर्जी आपको आती है, ज्योग्राफी में भी घुस फिस के आप देखोगे कि इंडस्ट्री हुआ चाहे कहीं हुआ एनर्जी आएगी। तो जितना टेक्नोलॉजी व्यू आपको उतना बता रहा हूँ। देखिए अभी आपको क्या समझना है, अभी आपको ये समझना है कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि डिफिकल्टी क्या है, क्या है, मैंने बोला था ना डिफिकल्टी क्या है, क्या कठिनाइयां है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस करने में क्या डिफिकल्टी है कि रिन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस कर पाओ। तो डिफिकल्टीज इन रिन्यूएबल एनर्जी हार्नेसिंग, डिफिकल्टीज इन हार्नेसिंग रिन्यूएबल एनर्जी, ये करेंगे हम लोग, ये क्या डिफिकल्टी थोड़ा आपको बता देता हूं। उसके बाद चेक पॉइंट्स क्या है, व्हाट आर द चेक पॉइंट्स बिफोर
बिफोर, पहले आप टेक्नोलॉजी को डेवलप करो उसके पहले कुछ चेक पॉइंट होने चाहिए कि ये चेक कर लो भैया, तब जाके टेक्नोलॉजी डेवलप करना रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ठीक है, ये देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि रिन्यूएबल एनर्जी तो देखा आपने, बहुत सारे एनर्जी के जो सोर्स है ना, एनर्जी के सोर्सेस को अलग अलग फॉर्म में डिवाइड किया गया है। कन्वेंशनल एनर्जी आपने नाम सुना होगा, कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल एनर्जी सुना होगा आपने, कमर्शियल एनर्जी सुना होगा, नॉन कमर्शियल एनर्जी सुना होगा आपने, ठीक है ना, प्राइमरी एनर्जी सुना होगा, सेकेंडरी एनर्जी सुना होगा आपने, ठीक है, अल्टरनेटिव एनर्जी क्या है, आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ये चीजें मैंने लास्ट टाइम से बताई भी थी, और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, तो ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी बांटा गया। इस तरीके से भी हम लोग पढ़ सकते हैं ना, एनर्जी को इस तरीके से देख सकते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स, कन्वेंशनल सोर्स अनकन्वेंशनल सोर्स या नॉन कन्वेंशनल सोर्स, इस तरीके से भी हम एनर्जी को देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। हर जो तरीका है ना पढ़ने का, उसमें कुछ चीज को मतलब कि ज्यादा दिया गया है, क्या व्यू दिया गया है कि हाँ ये चीज को पकड़ना है। रिन्यूएबल में देख रहे हो तो ये चीज ज्यादा देखेंगे, इस हिसाब से डिफिनेशन को देखेंगे, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल देख रहे हो तो इस पॉइंट पे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं कि ये पॉइंट कन्वेंशनल में ज्यादा देखना है एनर्जी के भाव से। प्राइमरी एनर्जी सेकेंडरी एनर्जी देख रहे हो तो क्या इस डेफिनेशन में क्या देखना है, किस तरीके से हम इस डेफिनेशन एनर्जी को समझेंगे, ठीक है ना। और आप जानते हो कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एनर्जी आजकल बहुत खोजी जा रही है। देखिए दो तरीका है बचना है तो फॉसिल फ्यूल्स को बचाइए, कंजर्व कीजिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाना है, पॉल्यूशन से रोकना है, और कहीं ना कहीं आपको एनर्जी कंजर्वेशन करनी पड़ेगी। एनर्जी कंजर्वेशन करना है तो फॉसिल फ्यूल्स की थोड़ा खर्च कम करना पड़ेगा, ठीक है, बचाना पड़ेगा, और आपको टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी पड़ेगी, आपको अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी पे भी आना पड़ेगा। सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स को बचाने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज अपनी एनर्जी नीड तो कम नहीं हुई ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम स्पेस घेरते जा रहे हैं, हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही है, हमारी नीड बढ़ती जा रही है, नीड नहीं लालच बढ़ती जा रही है। जरूरत एक अलग चीज होता है और एक लालच अलग चीज होती है, ठीक है ना, वो बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो आप फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं जीवाश्मी ईंधन, ये लिमिटेड अमाउंट में है, ये जिस रेट से हम खर्च कर रहे हैं, जिस रेट से आप पावर प्लांट में हो या अलग अलग जगहों पे इंडस्ट्रीज में हो या अलग अलग जगहों पे रिन्यूएबल एनर्जी क्या कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स का आप यूज कर रहे हो, चाहे इंडस्ट्रीज में हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ियों में हो तेल यूज कर रहे हो, इंडस्ट्री हो, पावर प्लांट में कोयला यूज हो रहा है, तेल यूज हो रहा है, हर जगह यूज होता है, फर्नेस ऑयल पे क्वेश्चन भी आया इस बार, तो जिस रेट से आप यूज कर पा रहे हो उस रेट से नेचर में ये रिप्लेनिश नहीं हो पाते हैं, उस रेट से जिस रेट से आप यूज करते हो ना उस रेट से ये फिर से रीजनरेट नहीं हो पाते फॉसिल फ्यूल्स। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप जिस रेट से यूज कर रहे हो उस रेट से रिप्लेनिश नहीं होते हैं, ये उस रेट से फिर से डेवलप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसको बहुत समय लगता है। आप जानते हो थ्योरी पढ़ाऊंगा, बायोजेनिक थ्योरी क्या है, ए बायोजेनिक थ्योरी क्या है, फॉसिल फ्यूल्स के बनने के लिए कैसे बने थे, ये सारी चीजें मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत फॉसिल फ्यूल्स की जानकारी आपको दूंगा कैसे डेवलप हुए थे, बट मेन ज्योग्राफी में ही आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत जियोलॉजी जब तक नहीं समझाऊंगा आपको फीलिंग नहीं आएगी, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आपको नहीं समझाऊंगा तो आप कैसे समझोगे क्वालिफिकेशन होता है, कैसे कैसे लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट की फॉर्मेशन कैसे होती है, थोड़ा बहुत टेंपरेचर प्रेशर कैसे बिल्डअप होता है, सिर्फ टेंपरेचर प्रेशर से काम नहीं होता है, इस टेंपरेचर प्रेशर के बढ़ने के दौरान कुछ रिएक्शंस होते हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, तब जाके कुछ कन्वर्जन होता है, तो डिस्कशन करेंगे हम। तो रिन्यूएबल एनर्जी वो एक सोर्स है जो हमारे उस कमी को दूर कर सकता है जो कमी फॉसिल फ्यूल्स में है, जो वो लिमिटेड क्वांटिटी में है कि भैया इतने समय तक चलेगा। अब उस कमी को डील करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी है, ये एक ऐसी एनर्जी है कि ये हमेशा हमेशा के लिए, आप देखोगे कि हमारी जब तक लाइफ इस पृथ्वी पे है ह्यूमन बींग्स की, और हमारे फ्यूचर जनरेशन जो भी आने वाली है उसको देखते हुए समझो तो सन हमारे लिए बहुत दिन तक चलेगा भी। यस, सन हमारे लिए बहुत दिनों तक है अभी, कितना लाइफ है वो ज्योग्राफी में बात करूंगा, सन हमारे लिए बहुत दिनों तक है अभी और सन से ऊर्जा आते रहेगी, लेकिन हर चीज की एक लाइफ होती है, इनफाइनाइट कुछ भी नहीं। आपको पता है कि सन के अंदर हाइड्रोजन है, वो कैसे कन्वर्ट होता है, फ्यूजन होता है, वो बात की बात है, लेकिन हाइड्रोजन कभी ना कभी खत्म होगा, और खत्म होगा तो न्यू जो सन है ड्वार्फ बनेगी। आपको पता है सन स्टार्स जो क्या-क्या बनते हैं, न्यूट्रॉन स्टार क्या है, रेड ड्वार्फ क्या है, ब्लू ड्वार्फ क्या है, व्हाइट ड्वार्फ क्या है, इन है ना, सुपरनोवा क्या है, न्यूट्रॉन स्टार क्या है, ये चीजों की बातें हम करेंगे, बट मे बी साइंस टेक में नहीं किया, साइंस टेक में हो सकता है यूनिवर्स में मैं थोड़ा बहुत करूं, और थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में जब सोलर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो भी करूंगा, ठीक है। तो बहुत मैं क्या कहते हैं एक तरीके से साइंस टेक हुआ, ज्योग्राफी हुआ, बहुत मैचिंग है, बहुत सारी चीजें ऐसा है कि उधर भी पढ़ना इधर भी पढ़ना, समझ रहे हो ना। एनर्जी एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी देखोगे तो एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी एनर्जी पढ़ना रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो बड़ा ट्रांजिशन है ना। ज्योग्राफी में भी जाओगे तो वहां पे भी एनवायरमेंट वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ना रहता है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी वगैरह थोड़ा पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपकी एक सब्जेक्ट भी है एनवायरमेंट इकोलॉजी, वहां पे भी एनवायरमेंट पढ़ना रहता है, तो ट्रांजिशन है, थोड़ा बहुत कॉन्साइड करते हैं ना, इसका कॉन्सेप्ट उसमें भी है, उसमें भी है ना, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे भी, क्योंकि जहां जहां है वहां पढ़ेंगे,
जितना जहां जरूरत है उतना हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हमें सोचना पड़ेगा कि डिफिकल्टी क्या है। मैंने रिन्यूएबल एनर्जी आपको समझाया, कि रिन्यूएबल एनर्जी की बेनिफिट्स क्या है। आपने देखा कि बहुत ही वाइड ज्योग्राफिकल एरिया में उपलब्ध है, तो हम यूज कर सकते हैं, है ना, और बहुत ही मोर और लेस यूनिफॉर्मली अवेलेबल है, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे सोलर एनर्जी को देख लो, चाहे विंड एनर्जी को देख लो, मोर और लेस यस डेफिनेटली विंड एनर्जी टाइडल, क्या कहते हैं, कोस्टल रीजन में ज्यादा होता है। सोलर एनर्जी आपके पास ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपने देखा, लेकिन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करूंगा मैं जब, कि वो ट्रॉपिकल रीजन के लिए ही नहीं है, ट्रॉपिकल के ऊपर और नीचे के लिए भी थोड़ा बहुत है। आपको पता होगा टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन चीजों का डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें मैंने बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आपको बताया था, शायद लिख दिया था, ठीक है, याद होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हार्नेस कैसे करना है, डिफिकल्टीज इन हार्नेसिंग रिन्यूएबल एनर्जी, डिफिकल्टीज इन हार्नेसिंग भाई सन एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी है, आपको पता है, लेकिन उसको हार्नेस करना, अपने यूज के लिए लाना है, तो उसमें डिफिकल्टीज है, कुछ परेशानियां हैं। हार्नेसिंग रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, डायरेक्ट मैं नहीं पढ़ा के भाग जा रहा हूं कि भाई बस रिन्यूएबल पढ़ा दिया, डेफिनेशन चिपका दिया, आप सुन लो, सोलर ये होता है, ये होता है, भैया मेन देश का सबसे बड़ी एग्जाम है, भैया देश की सबसे बड़ी एग्जाम है, थोड़ा बहुत ये चीजें आप, यही चीजों की तो डिस्कशन करनी है, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इंप्लीकेशंस, बेनिफिट्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, इन चीजों की बात नहीं करोगे तो यूपीएससी क्या, फिर तो एसएससी हो गया। एसएससी में भी नहीं पता है क्या लोगों को, भैया सोलर सेल होता है, एक सोलर सेल, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स होती है ना, सोलर सेल, एक सोलर सेल 0.5 to 1 volt के आसपास आपको पावर देती है, 0.5 to 1 volt, और पावर के फॉर्म में बात करो 0.7 watt पावर इलेक्ट्रिसिटी देती है एक सोलर सेल, एक, लेकिन क्या 0.7 watt की इलेक्ट्रिसिटी पावर आपको जो मिल रही है इससे क्या घर में काम चल जाएगी एक सोलर सेल से? नहीं चलेगी। इसीलिए सीरीज और पैरल कॉम्बिनेशन लगाते हैं, आप जो देखते हो अदानी ग्रुप का है, अलग अलग ग्रुप का मैं बताऊंगा, पावर प्लांट देखते हो सोलर सेल के, सोलर पावर प्लांट देखते हो आप लोग, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स, तो क्या है बहुत बड़े बड़े लगे होते हैं ना, प्लेट नुमा है ना, सोलर पैनल्स लगे होते हैं, तो एक सेल जो उसमें पैनल में होता है ना वो 0.5 टू 1 वोल्ट देता है वोल्ट के फॉर्म में, और पावर उससे निकालोगे तो 0.7 वाट के आसपास आता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा भैया, हमारे घर में काम नहीं चलेगी वो, तो हमें तो बहुत ब्रॉड लेवल पे करना है, कमर्शियल लेवल पे करना है, एनर्जी की नीड को पूरी करनी है, तो हम लोग सीरीज और पैरेलल में सेल्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, आपको पता करना पड़ेगा व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द आरएनडी प्रॉब्लम्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहां करने की जरूरत है, क्या मटेरियल पे रिसर्च डेवलपमेंट करने की जरूरत है, यस मटेरियल पे करने की जरूरत है ना, तो ये चीजें मैं डिस्कशन करूंगा, ये नहीं कि बस, और ये चीजें तो और इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम्स वगैरह नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, प्रोग्राम्स पढ़ना है, यूपीएससी में प्रोग्राम से रिलेट करके पढ़ना ही आपको, लेकिन पहले आप समझ लो है क्या चीजें, टेक्नोलॉजी क्या है, क्या है, फिर हम देख लेंगे सरकार ने क्या प्रोग्राम लाया है ना उस टेक्नोलॉजी के लिए, पहले टेक्नोलॉजी तो पढ़ लो, कि बीच में ही मैं बता दूं कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो इंडिया का है, बीच में आपको बता दूं कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो इंडिया का है इलेक्ट्रिसिटी का 3.82 लाख मेगावाट, यही बीच में बता दूं कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी का इंडिया का है 3.82, कितना वॉट लाख में है, 3.82 कितना लाख, पहले कितना था अभी कितना है, 3.82 लाख मेगावाट के आसपास है, 3.82 लाख मेगावाट, पहले कम था, धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे हम एनर्जी प्रोडक्शन के अलग अलग यूनिट्स लगाते जा रहे हैं, तो 3.82 लाख मेगावाट ये आपकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया का, ठीक है, इसमें सोलर का कुछ है, कोल का कुछ है, थर्मल पावर प्लांट का कुछ है, विंड का कुछ है, बायोमास का कुछ है, मतलब रिन्यूएबल का कुछ है, लेकिन इन चीजों की बात हम लोग करेंगे कब, जब हम लोग पढ़ोगे कि 175 गीगावाट का क्या प्रोग्राम था, 275 गीगावाट का क्या है 2022 तक 175 गीगावाट था, आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी से, और 275 गीगावाट 100 गीगावाट और बढ़ाया गया है 2027 तक रिन्यूएबल एनर्जी से, इन चीजों की डिस्कशन पॉलिसीज में करेंगे, अभी तो टेक्नोलॉजी समझ ले थोड़ा बहुत, ये जरूरी है। डिफिकल्टीज इन हार्नेसिंग रिन्यूएबल एनर्जी, देखिए डिफिकल्टी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी इज प्रेजेंट इन डाइल्यूट फॉर्म, पहला रिन्यूएबल एनर्जी इज प्रेजेंट
इन डायल्यूट फॉर्म। चलो डायल्यूट समझाता हूँ थोड़ा बहुत। देखो कोई भी चीज मैं जोर देकर ना समझा रहा हूँ उस समय, इसका मतलब समझना कि मैं बाद में जरूर समझाऊंगा, ठीक है ना। आप जानते हो मैं जो डिफिकल्ट चीजें होती हैं, जो मैं जानता हूँ लोगों को समझ में जल्दी नहीं आती है, चाहे मैं कितने अच्छे से समझा लूं, तो वो चीजें मैं बार बार रिपीट भी कर देता हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी। डायल्यूट फॉर्म का क्या है, जैसे सोलर एनर्जी देख लो, सोलर एनर्जी जो आती है, सन की जो एनर्जी आती है अर्थ सर्फेस पे, आप देखोगे उसकी सोलर फ्लक्स जो आती है 1000 वाट नियरली पर मीटर स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर एरिया आपने लिया, एक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल लिया, तो उस पे 1000 वाट गिर रहा है, ठीक है। तो आपने अगर प्लांट लगाया मान लो कि 10000 मीटर स्क्वायर एरिया में प्लांट लगाया, 10000 मीटर स्क्वायर एरिया में एक प्लांट सोलर का लगाया आपने, सोलर पावर प्लांट लगाया आपने 10000 मीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है। एक मीटर स्क्वायर में कितना आता है, 1000 वाट सोलर एनर्जी आती है, ठीक है, अर्थ सर्फेस पे। सोलर पावर प्लांट लगाया, 10000 मीटर स्क्वायर एरिया में आपने सोलर पावर प्लांट लगा दिया, वही 10000 मीटर स्क्वायर एरिया में आपने एक थर्मल पावर प्लांट लगाया, कोयला से चल रहा है या तेल से चल रहा है, थर्मल का मतलब ये नहीं समझ लेना बस कोयला से थर्मल पावर प्लांट चलती है, अरे भैया तेल से भी चलती थी, कोयला से भी चलती है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है, सिर्फ कोयला नहीं। 10000 मीटर स्क्वायर एरिया में आपने यहां पे बनाने की कोशिश की, तो सोलर से जो 10000 मीटर स्क्वायर एरिया में जो एनर्जी निकलेगी, जो पावर इलेक्ट्रिसिटी बना पाओगे वो, और जब यहां से 10000 मीटर स्क्वायर एरिया यहां पे भी आपने बनाया थर्मल पावर प्लांट 10000 मीटर स्क्वायर एरिया में बनाया, वहां से जो आप निकालोगे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, एनर्जी जो आएगी ये एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सोलर से। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी डाइल्यूट फॉर्म में है। ये कहने का मतलब है कि सेम अमाउंट ऑफ एरिया में आपने एक सोलर पावर प्लांट लगाया, सेम अमाउंट ऑफ एरिया में आपने थर्मल पावर प्लांट लगाया, तो थर्मल पावर प्लांट ज्यादा एनर्जी देगा, क्योंकि कोल ऑयल पे काम कर रहा है, कोयला पे काम कर रहा है, तेल पे काम कर रहा है, सोलर वाला सौर ऊर्जा पे काम कर रहा है, क्योंकि सौर ऊर्जा डाइल्यूट फॉर्म में है। डाइल्यूट मतलब कंसंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट फॉर्म में 1000 वाट एक मीटर स्क्वायर एरिया में आ रहा है, तो कम है। अगर 10000 वाट आता तो एक मीटर स्क्वायर एरिया में, मान लो एक मीटर स्क्वायर एरिया में 10000 वाट आता, 10000 हो गया ना, तो बोलते कि भैया हाँ कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट से ज्यादा हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, अब ज्यादा पावर बना सकता है, है ना, इतने ही एरिया में 10000 मीटर स्क्वायर एरिया में, और 10000 मीटर स्क्वायर एरिया लेते हैं तो अब ज्यादा बना देगा, 10000 वाट पर मीटर स्क्वायर एरिया, एक मीटर स्क्वायर एरिया में 10000 वाट है, तो यानी कि अब डाइल्यूट नहीं रहा, अब तो कंसंट्रेटेड एनर्जी है भैया, ज्यादा एनर्जी बन रही है, आ रही है सूर्य से, बट ऐसा नहीं है, लगभग 1000 ही आता है। तो सेम पावर प्लांट का साइज लोगे तो सेम पावर प्लांट के साइज में सोलर थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं ये ज्यादा एनर्जी देते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू सोलर। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी डाइल्यूट फॉर्म में होती है, एक मीटर स्क्वायर एरिया में 1000 वाट आता है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज ये हो गया, तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट है, यहां पे बोल सकते हो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कंपेरेबल टू द एनर्जी टेकन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सोलर से, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना सोलर से बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, which is comparable to the energy जो taken from fossil fuels, कोयला वाला जला के जो ले रहे हो थर्मल पावर प्लांट में, तो उतने ही एरिया से थर्मल ज्यादा देते हैं, उतने ही एरिया में सोलर पावर प्लांट लगाओगे तो वो कम होगी, क्योंकि डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सोलर हुआ इन चीजों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी इज हाईली फ्लक्चुएटिंग टाइप ऑफ एनर्जी, ये क्या है, डिफिकल्टीज है इनको हार्नेस करने में, डाइल्यूट है, अब हार्नेस करना डिफिकल्ट है, कितना एरिया लोगे, एक तो खाने को जमीन नहीं है, सारा का सारी जमीन बंजर बनाते जा रहे हो, बात करूंगा ज्योग्राफी में और एनवायरमेंट इकोलॉजी में कि बंजर क्यों बनते जा रही है जमीन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या इंपैक्ट है सारी चीजों की, लेकिन देखो भैया डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो ये तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी हमारे लिए है कि बहुत ज्यादा एरिया लेना पड़ेगा हमें, पावर प्लांट कितने एरिया में लगाओगे, एक तो खाने के लिए भैया जमीन नहीं है, कितना एरिया लगाओगे, वैसे भी शहरीकरण करके पूरा गांव जो भी गांव में खेती होती थी वो भी घेरते जा रहे हो शहरीकरण करके, तो क्या करोगे भैया, खाने के लिए जमीन चाहिए, ऐसा नहीं सब पावर प्लांट ही लगा दो, ले बिजली आए खाएंगे, बिजली खाएंगे क्या, अरे जमीन बचना भी तो चाहिए भोजन के लिए, खेती के लिए, ठीक है ना, तो ये भी चीज है, डिफिकल्टीज है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी इज हाईली फ्लक्चुएटिंग टाइप, भैया बहुत फ्लक्चुएटिंग है रिन्यूएबल एनर्जी में, एक उठा लो आपने सोलर उठा लिया, आज बादल आ गया, ले अब सोलर प्लेट कलेक्टर देख रहे हैं, बादल आ गया अब लाइटें नहीं आ रही है, लो काम खत्म, विंड टर्बाइन चल रही है, विंड मिल चल रहा है, विंड टर्बाइन या विंड मिल दोनों अलग होते हैं, विंड मिल कुछ और काम के लिए है, विंड टर्बाइन कुछ और काम के लिए, तो विंड मिल मान लो चल रही है, आपने देखा ना रोड जाते हो ट्रेन वगैरह से गए होगे तो जैसे जैसे घूमते रहता है पंखी तो ब्लेड्स घूमते रहते हैं, अब वो हवा नहीं चल रही है तो बैठे हुए, बड़ा फ्लक्चुएटिंग है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना, ऐसा कोई रिलायबल नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी पे, थोड़ा भरोसा नहीं कर सकते हैं, है ना, कि भैया बस रिन्यूएबल एनर्जी आज तो लाइट आएगी, टीवी चल रही है 24 घंटा चलाऊंगा, बादल आ गया
बादल आ गया, आपने स्टोर करके नहीं रखा है रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे बैटरी में स्टोर करते हैं ना सोलर एनर्जी को, आपने स्टोर करके नहीं रखा है, स्टोरेज प्रॉब्लम है सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर एनर्जी को स्टोर करना पड़ता है बैटरी में, तो वो सारी चीजें मैं बात करूंगा। तो भैया ये रिलायबल नहीं है कि बस 24 घंटे को बिजली मिल ही जाएगी रिन्यूएबल से, सोलर से, विंड से। जब सोलर एनर्जी नहीं आएगी भैया, जब बादल है तो भाई बिजली में दिक्कत होगी, एनर्जी प्रोडक्शन में दिक्कत होगी, नहीं हो पाएगी उस समय। जब विंड नहीं चल रही है, विंड हवाएं, तो फिर कैसे विंड टर्बाइन मूव करेगा भैया, तो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगा ना। तो भरोसा नहीं कर सकते हो, कोल वाला में भरोसा कर सकते हो, सोलर थर्मल थर्मल पावर प्लांट जो चला रहे हो कोयला पे तेल पे, ये भरोसा भैया हमारा कोयला इतना रिजर्व रखा हुआ है, हमारा इतना है तो हम इतने समय तक प्रोड्यूस कर लेंगे, भरोसे से अपना बैठे हुए एकदम सुकून से, रिलायबिलिटी है ना, रिलायबल है, भरोसेमंद है भैया, कोयला जब तक जलाएंगे तब तक एनर्जी मिलेगा। इधर भरोसा नहीं है भाई, आज बादल आ गया, गया काम से, कल हवा नहीं चली, गया काम से, बादल एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी। तो ये चीजें एक प्रॉब्लम है, फ्लक्चुएटिंग है, वेदर कंडीशन पे डिपेंडेंट है, कहने का मतलब वेदर पे, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली सप्लाई ऑफ सच एनर्जी, कंटिन्यूअस सप्लाई इन एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सच एनर्जी कैन नॉट बी इंश्योर्ड, आप इंश्योर्ड नहीं कर सकते हो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, इसलिए रिलायबल नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी, रिलायबल नहीं होते, लिख लेना ये पॉइंट सारे। उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट आर क्वाइट हाई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल बताऊं, एग्जाम्पल के फॉर्म में, जैसे कि आपने सोलर सेल देखा, एक सोलर सेल जो मैंने बताया, एक सोलर सेल जो होते हैं 0.5 to 1 वोल्ट के आसपास आपको देता है वोल्ट वोल्टेज, और 0.7 वाट पावर के फॉर्म में आपको इलेक्ट्रिसिटी दे देगा। इतना से क्या होगा, होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, सीरीज में लगाओ, लगाओ सीरीज में, पैरेलल में घुसाते जाओ, अभी डिस्कस करूंगा जब मैं आऊंगा, एक एग्जांपल के फॉर्म में समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी चीज आपने सीरीज पैरेलल में लगाने की कोशिश की, और ताकि पावर ज्यादा हमको मिल पाए। तो इनिशियली इन्वेस्टमेंट आपको देखो क्या है कि दो सोलर सेल को चिपकाने के लिए सिल्वर लगाना पड़ता है, दो सोलर सेल को बीच में सिल्वर लगानी पड़ती है, सिल्वर सस्ता होता है चांदी। तो सोच लो सोलर पावर प्लांट अगर शुरुआत में लग रही है, लैंड चाहिए, लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम भैया, जमीन अधिक, जो जमीन को लेना है किससे, लोगों कौन बेचेगा भैया, किसानों से जाके कहोगे पैसा लो, हट गया, नहीं दूंगा नहीं दूंगा, तो लैंड एक्विजिशन होता है ना प्रॉब्लम, जमीन लेने की प्रॉब्लम होती है ना, तो वो सारी चीजें भी है। आप मटेरियल देखो कितना महंगा महंगा है, सेमी कंडक्टर यूज करते हैं, सिलिकॉन, सिलिकॉन तो चलो मिल जाता है, एबंडेंट है, लेकिन सोलर सेल को जोड़ने के लिए यहाँ पे सिल्वर यूज करते हैं, सिल्वर महंगा होता है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत है, ऐसा नहीं है बाद में जाकर चलेगी, ठीक है, बाद में इन्वेस्टमेंट नहीं करना रहता है, मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता, एक बार सोलर सेल लग गया, सोलर पावर प्लांट ऐसे देख रहा है सूर्य की ओर, ठीक है, ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन शुरुआत में तो करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा, ठीक है ना। तो ये है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आर क्वाइट हाई इन केस ऑफ बिल्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स को बिल्ड करना है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। दीज प्लांट्स रिक्वायर अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट है। देखो इन्वेस्टमेंट शुरुआत में आपको बहुत करना पड़ेगा, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है शुरुआत में, लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम भी है और साथ में टेक्नोलॉजी की चैलेंजेस है, तो वही डिफिकल्टीज हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कत है भैया रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी को हार्नेस करने में, ठीक है। केयरफुल प्लानिंग करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि चले उठ के सुबह रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाऊंगा, कौन सा लगाऊंगा, तो विंड एनर्जी लगाऊंगा, विंड वाला, अच्छा कहाँ लगाऊंगा भैया, तो लगाऊंगा मैं बिहार में कहीं लगाऊंगा गाँव में, पागल हो गए क्या, तमिलनाडु के कोस्ट पे जाओ, गुजरात वाले कोस्ट पे जाओ, उधर केरला वाले साइड में जाओ, कोरोमंडल साइड में जाओ, कोस्ट पे ज्यादा चलेगी ना, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज वगैरह जहाँ होगी हवाएं चलेगी, तो वो ध्यान देना है। उठे सुबह सुबह विंड एनर्जी लगाऊंगा मैं, क्या सोलर पावर प्लांट लगाऊंगा मैं, सोलर लगाऊंगा कहाँ लगाऊंगा, लद्दाख में जाकर लगाऊंगा, ठीक है। अगर आपके पास अवेलेबल है एरिया कि आप राजस्थान में लगा सकते हैं, कर्नाटक में लगा सकते हैं, जहां ज्यादा ज्यादा कंसंट्रेशन पे एनर्जी आती है, तो वहां लगाएंगे ना, पहले वहां सोचेंगे, पता चला कश्मीर में तो जाकर लगाएंगे नहीं क्योंकि वहां एक्चुअली सोलर एनर्जी जो आती है, या ठंडा प्रदेश आप जानते हो, तो वहां हमको चाहिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, तो राजस्थान में लगा सकते हो, कर्नाटक में लगा सकते हो, उधर नीचे जाओ, नीचे की ओर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह सुने होगे ना, इक्वेटर से नीचे, इक्वेटर के ऊपर ये सारी चीजें, तो ज्यादा ट्रॉपिक्स रीजन में रहोगे उतना एनर्जी आपको आती है, सोलर इंसोलेशन वर्टिकल होती है ना, ये चीजें तो पता होगी, नहीं पता होगी ज्योग्राफी में बात करूंगा मैं, ठीक है। तो ये चीजें है कि ये भी देखना है कि कहां क्या लगाना है लोकेशन के हिसाब से, यहां भैया ये लोकेशन पे ये सूट करता है, कोस्ट पे विंड मिल क्या कहते हैं, विंड वाली चीजें लगाऊंगा मैं, टर्बाइन वगैरह लगाऊंगा, विंड टर्बाइन, ठीक है। सोलर वाला लगाना है तो कहां लगाऊंगा जहां पे सोलर इंसोलेशन अच्छा है, ठीक है। जियोथर्मल लगाना है तो कहां लगाऊंगा जियोथर्मल, है ना, उसकी भी ध्यान देनी है कि जियोथर्मल एनर्जी कहां से अच्छा निकल सकती है, वो बात करूंगा मैं आपसे, जियोथर्मल एनर्जी कहां से अच्छा निकलता है, ठीक है, इंडिया में वो चीजें मैं बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, अब भैया भूमि का बिना क्या हो जाएगा, देख रहे हो डिफ्यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वैसे ही डायल्यूट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो
ज्यादा लैंड चाहिए, एनर्जी ज्यादा बनाना है तो लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन, कमर्शियल पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए बनाना है तो भैया बहुत लैंड चाहिए। एक सेल तो बेचारा इतना दे रहा है कमर्शियल पर्पस के लिए, तो कई सारे सेल सोलर पैनल्स बनेगी, सोलर पैनल्स कई सारे पैनल्स लगेगी, बहुत जमीन की जरूरत पड़ेगी, तब जाके तो कुछ होगा, एनर्जी बनेगी तो भैया हम अपने शहर को चला पाए, इलेक्ट्रिसिटी दे पाए, अगर इलेक्ट्रिसिटी देना है तो, ठीक है। तो ये चीजें है जो कि डिफिकल्टीज इन हार्नेसिंग है, ये चीज आप समझ चुके हो, अगर लिखने लगूंगा समझ रहे हो ना, ज्यादा ज्यादा पॉइंट मुझे बताने दो, ये चीज आप लिख भी सकते हो, समझा दिया हिंदी में ही बोल दिया, आप लोग क्लास में अगर बैठे रहते, मैं डिक्टेट करता तो लिखते ना क्लास में अगर बैठे रहते तो फेस टू फेस, तो यहां समझ जाओ, वैसी ही बात है, मैंने लिख दिया, कुछ बता भी दिया आपको। चेक पॉइंट्स बिफोर डेवलपिंग, चेक पॉइंट्स बिफोर डेवलपिंग, चेक पॉइंट्स बिफोर डेवलपिंग, कुछ चेक पॉइंट्स हैं आपको चेक करना पड़ेगा वहां पे पहले, चेक पॉइंट्स बिफोर डेवलपिंग, किसको डेवलप करना है, रिन्यूअल की बात कर रहा हूं, तो बिफोर डेवलपिंग किसकी टेक्नोलॉजी, बिफोर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी किसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, बिफोर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल, सोचो एक एक शब्द मैंने आपको समझाया, एनर्जी समझाया इतने, रिन्यूएबल भी समझाया मैंने, तब जाकर तो फिर बता रहा हूं, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी मैंने क्लास में समझाया कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, साइंस का मतलब क्या है, सब कुछ समझा दिया हूं। तो चेक पॉइंट्स क्या है, देखो भैया, बिफोर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आप रिन्यूएबल सोर्सेस के आधार पर आप टेक्नोलॉजी बनाने चाहते हो, ठीक है, तो बिफोर, इससे पहले, बिफोर कि आप टेक्नोलॉजी को डेवलप करें ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बेसिस पे, आप रिन्यूएबल सोर्सेस के आधार पर आप इन टेक्नोलॉजी बनाएंगे और एनर्जी को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है, कोई कुछ क्वेश्चन है, नीड टू बी एवेल्युएटेड केयरफुली, द फॉलोइंग क्वेश्चन नीड टू बी एवेल्युएटेड केयरफुली, इवेल्युएट करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चन को पहले आपको, इससे पहले कि आप टेक्नोलॉजी डेवलप करें। पहला क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल इन द इमीडिएट एनवायरमेंट, कितनी एनर्जी है आपके पास, हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल इन द इमीडिएट एनवायरमेंट आपके पास में। अगर आप भैया विंड मिल चलाना चाहते हो, आप तमिलनाडु में हो तो तमिलनाडु कोस्ट में आपको देखना पड़ेगा, यस, कितनी विंड आती है यहाँ पे, कितना विंड की स्कोप है यहाँ पे, ये चीजें आपको देखना पड़ेगा, आपके इमीडिएट एनवायरमेंट में कितनी एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है, आपके आस पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है कि आप जिसके लिए टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हो, चाहे विंड के लिए हो, चाहे सोलर के लिए हो, चाहे टाइडल के लिए हो, कितनी एनर्जी आपके आस पास में है, उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल इन द इमीडिएट एनवायरमेंट, इमीडिएट आसपास में, आपके सराउंडिंग में, इमीडिएट सराउंडिंग में कितनी एनर्जी अवेलेबल है, इमीडिएट एनवायरनमेंट में कितनी एनर्जी अवेलेबल है, इमीडिएट एनवायरनमेंट। अच्छा, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है पता है, अब तो क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, जब मैं एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा टोटल डिस्क्राइब करूंगा एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं एनवायरनमेंट को समझाते से, मैंने देखा है। तो क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द सोर्स, सोर्स क्या है एनर्जी का, टाइडल है क्या, सन है क्या, विंड है क्या, जियोथर्मल है क्या, बायोमास है क्या, क्या है सोर्स, व्हाट इज द सोर्स, मीनिंग क्या है इसका, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, क्वेश्चन मार्क, दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू इवेल्युएट बिफोर डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। इससे पहले कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी डेवलप करें, पहले इन क्वेश्चन का आंसर तो दो, पहले इन क्वेश्चन के बारे में तो सोचो, ऐसी क्वेश्चन भी आएंगी, डेवलप कर लोगे टेक्नोलॉजी तब देखोगे क्या, अच्छा यहाँ पे एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी, अच्छा पहले पावर प्लांट लगा दिया अपने, अब देख रहे हैं सोलर एनर्जी यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो भैया, पहले चेक करो कि सोलर आता है कि नहीं, अगर सोलर लगाना है पहले चेक करो कि विंड एनर्जी यहाँ अच्छी आती है कि नहीं, विंड एनर्जी अच्छी आती है कि नहीं, विंड अच्छा फ्लो करता है कि नहीं, तब जाके लगाना पावर प्लांट, ठीक है ना, ये चीजें आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, फॉर व्हाट पर्पस कैन दिस एनर्जी बी यूज्ड, आप जो एनर्जी यहाँ पे क्या कहते हैं यूज बनाने वाले हो, किस पर्पस के लिए यूज करने वाले हो, तो फॉर व्हाट पर्पस कैन दिस एनर्जी बी यूज्ड, दूसरा फॉर व्हाट पर्पस कैन दिस एनर्जी बी यूज्ड, ये भी एक क्वेश्चन है आपको करना पड़ेगा आंसर,
ठीक है, फॉर व्हाट पर्पस दिस एनर्जी बी यूज्ड, किस पर्पस के लिए आप एनर्जी को यूज करना चाहते हो, व्हाट पर्पस कैन दिस एनर्जी बी यूज्ड, व्हाट इज द एंड यूज ऑफ दिस एनर्जी, एंड यूज अल्टीमेटली आप बाद में क्या यूज करोगे, आपने बनाया सोलर एनर्जी, तो क्या सोलर से आप पानी गर्म करोगे या सोलर से इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे, तो एंड यूज क्या है ये भी तो ध्यान देना है। मान लें आपने बनाया कहीं रेगिस्तान में, ठीक है, तो रेगिस्तान में आप कितना सुनते हो ना कि एक होता है लोड बेस्ड पावर प्लांट, एक सोर्स बेस्ड पावर प्लांट, तो लोड कहां है, कहां इलेक्ट्रिसिटी, आपने पावर प्लांट बना लिया और मान लो शहर है ही नहीं वहां पे, तो इलेक्ट्रिसिटी किसको दोगे, इलेक्ट्रिसिटी भेजना पड़ेगा, ट्रांसमिशन करना पड़ेगा आपको, तो वो चीजें भी ध्यान देनी पड़ती है कि जहां पे हमने पावर प्लांट बनाया क्या वहीं पे लोड है, क्या क्या वहीं पे शहर है क्या, तो शहर है तो वहीं पे दे दूंगा मैं एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी लोगों को दे दूंगा। पता चला मैंने रेगिस्तान में पावर प्लांट बना लिया, ठीक है भाई पावर बन जाएगी, लेकिन लेने के लिए कोई नहीं है भैया एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए कोई नहीं है, तो भेजो भैया ट्रांसमिशन करो इलेक्ट्रिसिटी को शहरों में। एंड यूज क्या करना है, अब शहर में गया, अब वो सोलर थर्मल में आप पानी गर्म करोगे ठंडी के दिन में, ऐसे इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि पानी गर्म करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का ये है, तो एंड यूज क्या है उस एनर्जी का, एंड में क्या यूज होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी जलाओगे या पानी गर्म करोगे या रेफ्रिजरेशन ठंडा करोगे, सोलर रेफ्रिजरेशन भी होती है, सोलर हीटिंग, सोलर कुकिंग, सोलर पॉन्ड, सोलर रेफ्रिजरेशन ठंडा करना रूम को जैसे एसी करता है, एंड यूज क्या है ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा, व्हाट इज द एनवायरमेंटल इंपैक्ट, ये इसके बिना क्या टेक्नोलॉजी लगा दी है फिर कह रहे हो जा आप तो कुछ पॉल्यूशन रिलीज हो रही है, अरे जा आप तो ये हो रही है, पहले देखो एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा इस टेक्नोलॉजी का जो आप लगाने वाले हो, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ने वाली है आपकी टेक्नोलॉजी का जो आप लगाने वाले हो, इसके लिए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट पढ़ाऊंगा मैं EIA एनवायरमेंट इकोलॉजी में, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट उसमें बात करूंगा मैं कि कैसे किसी प्रोजेक्ट को पहले ये एसेस किया जाता है तब जाके उसको फाइनल दिया जाता है कि आप बना सकते हो यहाँ पे टेक्नोलॉजी लगा सकते हो पावर प्लांट डेवलप कर सकते हो यहाँ पे, है ना, वो चीज की बात है, बात की बात है, EIA की बात कर रहा हूँ मैं, बात करूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। व्हाट इज द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द एनवायरमेंटल इंपैक्ट, ये इससे आपकी कॉन्सेप्ट डेवलप हो रही है कि वो ऐसे सोचना है, सोचने की शक्ति नहीं होगी यूपीएससी में, मुश्किल हो जाएगा आपको पता है ना, बहुत लोग रटते रहते हैं वो मुश्किल है, सोचने की शक्ति बनाना है आप तो, व्हाट इज द एनवायरमेंटल इंपैक्ट, सोचोगे जाके आपका काम हो जाएगा, व्हाट इज द एनवायरमेंटल इंपैक्ट, इसके बिना तो कुछ होगा नहीं भी, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एनर्जी, सतत विकास, सतत ऊर्जा, ऊर्जा ऐसी चाहिए जो पॉल्यूशन ना करे या कम से कम करे पॉल्यूशन, तो व्हाट इज द एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल ठीक है, मैं ऐसा एनवायरमेंटल लिखता हूं, ठीक है, ENVMTAL शॉर्ट फॉर्म में एनवायरमेंटल, व्हाट इज द एनवायरमेंटल इंपैक्ट, प्रभाव क्या है ऑफ द टेक्नोलॉजी जो आप टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले हो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ठीक है, तो व्हाट इज द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, इज इट सस्टेनेबल, आपसे पूछा जाएगा क्या सस्टेनेबल है, आपको बताना पड़ेगा यस है तो आपको अलाउ किया जाएगा कि बना सकते हैं आप टेक्नोलॉजी, डेवलप कर सकते हैं, लगा सकते हैं टेक्नोलॉजी, इज इट सस्टेनेबल, सब जगह सस्टेनेबल बात चल रही है। ग्रो हार्लेम बर्नलैंड कमीशन, आई थिंक फॉर्मर नॉर्वे पीएम है, उनके यहां से आवर कॉमन फ्यूचर, जो लोग पढ़े उनको पता होगा आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट का नाम था, उसमें बात की गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, डिस्कशन करूंगा मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी में, उसमें मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिनिमम डेवलपमेंट गोल सबकी बात करेंगे हम, ठीक है, इज इट सस्टेनेबल, ठीक है, ये क्वेश्चन एक आपको पहले चेक पॉइंट्स है, पहले बताना है रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी डेवलप करने से पहले इनको चेक करो। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी, इज इट कॉस्ट इफेक्टिव, एनर्जी की कॉस्ट क्या, पता चला कि आपने जितना लगाया उतना उससे कम में एनर्जी निकाल पा रहे हो, आपने पैसा ज्यादा लगा दिया एनर्जी उतनी की आ नहीं रही है, तो व्हाट इज द कॉस्ट, कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कॉस्ट पैसा, कुछ भी करोगे भारत सरकार से जाओगे मांगने के लिए कि भाई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है पैसा कितना लगेगा, कितना पैसा, घर में कहोगे कि भैया कपड़ा खरीदना है पैसा कितना लगेगा, पैसा बताओ कितना, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो पैसा का ध्यान देना पड़ेगा आपको, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करनी पड़ती है आपको, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी, चौथा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी, सब कुछ डेवलप किए, टेक्नोलॉजी बनाए, सब कुछ बनाए, कितना कॉस्ट लगा, कितना आउटपुट निकाल पा रहे हो, कितना आपने इनपुट दिया पैसा के फॉर्म में, कितना आउटपुट निकाल पा रहे हो, कितनी इलेक्ट्रिसिटी बना पा रहे हो, कितना आप बेच पा रहे हो, वो भी चीजें ध्यान देनी है ना, पता चला इनपुट ज्यादा लगा दिए पैसा मुनाफा हो ही नहीं रहा है तो ऐसा क्या फायदा, तो ये सब चीजें कॉस्ट क्या है, कितनी है, ठीक है ना, व्हाट इज द कॉस्ट, क्योंकि फाइनली बड़े बड़े चीज के लिए अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर तो गवर्नमेंट से ही पैसा लेना पड़ेगा ना, एक्चुअली पार्लियामेंट से ही सारी चीजें काम होगी, गवर्नमेंट के द्वारा ही होगी सारी काम, तो वो फंड कैसे मिलेगी सब कुछ बताना पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है आपकी टेक्नोलॉजी, ठीक है, पता चला तुमने घाटा करवा दिया, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी, मतलब
इज इट कॉस्ट इफेक्टिव, क्वेश्चन आएगा इज इट कॉस्ट इफेक्टिव। ये सारे क्वेश्चन आपको चेक पॉइंट है जो पहले आपको देखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया होगा, मिटा देता हूं मैं। अब ये बताओ कि मैंने रिन्यूएबल एनर्जी को क्या बोला था, तो कुछ बोला था ग्रीन एनर्जी है। मैंने रिन्यूएबल एनर्जी को और क्या बोला था, देखिए कन्वेंशनल कभी कभी लोग नॉन कन्वेंशनल यूज करते हैं रिन्यूअल के लिए, अभी डिफरेंस मैं क्रिएट कर दे रहा हूं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिन्यूअल एनर्जी कन्वेंशनल हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि रिन्यूअल एनर्जी ज्यादातर नॉन कन्वेंशनल ही होती है। तो रिन्यूअल नॉन कन्वेंशनल ज्यादातर यूज करते हैं सिनोनिमसली, अल्टरनेट एनर्जी, रिन्यूअल एनर्जी और कन्वेंशनल एनर्जी एक ही सिनोनिम्स के फॉर्म में यूज करते हैं कि भाई यहाँ एक ही है, लेकिन डेफिनेटली इसके बीच में कुछ तो डिफरेंस होता है, कुछ तो होता है। और कोशिश करूंगा आपको बता दिया तो बता दिया, अदरवाइज फिर भी इतना बता दूंगा बिकॉज क्या है ना, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत चीजें हैं पढ़ने को, ठीक है। और हर चीज का एक ऊपर से ऊपर लेवल, आप रिन्यूअल एनर्जी पढ़ रहे हो, रिन्यूअल एनर्जी टेक्नोलॉजी के फॉर्म में एमटेक वगैरह में सब जगह आजकल चल रही है, टेक्नोलॉजी रिसर्च चल रही है, तो बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है ना। हर चीज का आंसर हर एग्जाम में तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि जितनी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। तो देखो रिन्यूअल एनर्जी मैंने बोला था, रिन्यूअल एनर्जी जो है उसको मैंने बोला था कि आपको ग्रीन एनर्जी के फॉर्म में समझना है, ठीक है। ये हो गया, आपको अभी मैं बता रहा हूं कि नॉन रिन्यूअल जो आपको जानते हो कि कोयला वगैरह, पेट्रोल वगैरह, ये सारी चीजें, पेट्रोलियम वगैरह है, इन चीजों की बात हम करेंगे बाद में, पहले रिन्यूअल पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे भी हम लोग ऐसा नहीं कोल की पढ़ाई कर रहे हैं, हमको ये नहीं पढ़ना, हमको टेक्नोलॉजी पढ़ना है। कोल मैं पढ़ाऊंगा, सारी डेवलपमेंट कैसे होती है, कोल फॉर्मेशन कैसे होती है, क्वालिफिकेशन कैसे होता है, सबकी बात ज्योग्राफी में करूंगा, लेकिन यहां पे उतना करूंगा जितना से आपका, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इतना जरूरी था, इतना हो गया, ठीक है। इतना जानना चाहिए था यहाँ पे टेक्नोलॉजी समझने के लिए, बस बाकी चीजें ज्योग्राफी में जरूर करूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये देखो कि अभी मैं जैसे नॉन रिन्यूअल पे थोड़ा बता देता हूं, है ना। चाहे मैं एक काम करता हूं, पहले आपको एक और क्लासिफिकेशन समझाने की कोशिश करता हूं, उसी में सारा बता दूंगा, जो अभी बताने वाला हूं ना उसी में सब डाल दूंगा आपको। एनर्जी को आप क्लासिफाई कर सकते हो एक और वे से, आपसे कोई बोले तो एनर्जी को आप क्लासिफाई कर सकते हो इस तरीके से भी कर सकते हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस करके समझा रहा हूं मैं। एनर्जी अगर आपके पास है, ऊर्जा और आपके पास है, तो उसको आप क्लासिफाई वर्गीकरण ऐसे भी कर सकते हो, रिन्यूअल जो मैंने किया भी है, बाकी मैंने समझाया भी है, रिन्यूअल और कैसे नॉन रिन्यूअल के फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। ये ठीक है, यहां से थोड़ा सा डिफरेंस करूंगा मैं, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूअल में आप जानते हो रिन्यूअल क्या है, रिन्यूअल की डिफरेंस मैंने बहुत बार बोली, बार बार रिपीट करना टाइम बर्बाद होगा, इतना समझ जाओ कि ये अनलिमिटेड है ना अनलिमिटेड है ना, कंटिन्यूअसली आते जा रही है ना, ये चीज आपको पता है, ठीक है। कंटिन्यूअसली आ रही है, अनलिमिटेड है, रिलायबल नहीं है। सोलर एनर्जी बादल पे डिपेंड कर जाती है, विंड एनर्जी, विंड टर्बाइन विंड पे डिपेंड करते हैं, रिलायबल नहीं है। कोल वाला रिलायबल, जब तक कोयला है तब तक तो एनर्जी मिलेगी, तो रिलायबल है, भरोसेमंद है, एनर्जी आते रहेगी, एनर्जी मिलते रहेगी, पावर बनते रहेगा, यहाँ रिलायबिलिटी थोड़ी कम है, रिलायबल नहीं है, ठीक है। बाकी मैं तो बता ही चुका हूं आपको, थोड़ा बहुत और बताऊंगा मैं यहाँ पे कुछ नया पॉइंट। तो रिन्यूअल में क्या क्या है आपको पता है, सोलर विंड हाइड्रो। अब हाइड्रो की मैंने डिस्कशन की थी, याद है, क्वेश्चन मार्क लगाओ यहाँ पे। हाइड्रो मैंने बताया था, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट जो है उसको नॉन रिन्यूअल में रखा गया है, बिकॉज आप जानते हो कि नेचुरल फ्लो बताया था मैंने रिस्ट्रिक्ट होती है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, ऑब्स्टेकल के काम रूप में ये रहता है हाइड्रो, है ना। हाइड्रो पावर प्लांट लगाओगे बहुत स्टोर करना पड़ेगा, रिजर्वायर बनेगी, लैंडस्लाइड वगैरह हो जाती है, और नेचुरल फ्लो जो रिवर का है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो मैंने बताई थी आपको लैंडस्लाइड भी होती है, बड़े बड़े हाइड्रो प्लांट लैंडस्लाइड, प्लेट्स मूवमेंट हो जाती है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो जाती है, माइग्रेशन होते हैं, बहुत लार्ज रूप में माइग्रेशन होते हैं, लोगों के भागेंगे ना लोग, भैया लैंडस्लाइड होगी तो लोग तो भागेंगे ना, टेक्टोनिक एक्टिविटीज होंगी तो भागेंगे ना, ये तो हो चुका है, ज्योग्राफी में बात करूंगा मैं, जाओ प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाऊंगा। तो हाइड्रो मतलब लार्ज वाला, तो ये नॉर्मली ध्यान रखना कि मैं हाइड्रो को रख रहा हूं, भारत सरकार ने भी हाइड्रो को क्या है रख दिया गया है रिन्यूअल के अंदर, ठीक है। बट मतलब फिजिकली आप साइंस के रूप में आप समझ चुके हो कि कॉन्सेप्ट के रूप में क्या चीजें हैं, ठीक है। फिर भी मैं हाइड्रो को रख रहा हूं यहां पे, ठीक है। स्मॉल हाइड्रो मैंने बताया था रिन्यूअल में आता है ना, वो चीजें मैंने आपको समझा दी है। हाइड्रो हो गया, हाइड्रो के बाद आप देखो कि टाइडल जियोथर्मल वगैरह डाल देते हो, टाइडल डाल दो यहां पे जियोथर्मल और क्या डाल सकते हो, ओटेक डाल दो, ओशियन एनर्जी, वेव एनर्जी, ओटेक मतलब ओशियन के जितने फॉर्म्स है ना सबको रख ही लिया गया है रिन्यूअल में, ओशियन के जितने भी एनर्जी फॉर्म होते हैं चाहे वेव वाले हो चाहे ओटेक वाले हो सबको रख लिया गया है। एक आपका फेवरेट, सबका फेवरेट बायोमास है ना,
ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन, वेस्ट से आप देख रहे हो कि एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये तो एक तरीके से रिसर्च टॉपिक हो चुका है, वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, ये तो रिसर्च टॉपिक हो चुकी है, मैं तो इन पे क्लास लंबी लंबी 20-20 घंटे की ले सकता हूँ, वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन में, सिर्फ सोच लो 20-20-30-30 घंटे तक मैं वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन बता सकता हूँ, बट थोड़ा बहुत आपको जानना है, वो चीजें मैं डिस्कस करूंगा कि दिल्ली में कहां पे क्या प्लांट लगी है और कैसे कैसे हो रही है काम, ठीक है। तो ये हो गया रिन्यूअल। अब रिन्यूअल को मैंने बताया था कि ये कौन सी एनर्जी है, रिन्यूअल कौन सी एनर्जी है, जल्दी बताओ, रिन्यूअल ग्रीन एनर्जी है ना, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन एनर्जी है, और कैसा है, सस्टेनेबल एनर्जी है, और कैसा है, आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और कैसा है, अल्टरनेट में भी डाल सकते हो, अल्टरनेट फॉर्म में जा रहे हैं ना, कोयला वाला छोड़ के अल्टरनेट फॉर्म, तो यही है सारा हमारे पास, इसमें भी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है, ये सबसे मोस्ट प्रॉमिसिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है सोलर, सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है ये सोलर, सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इसी पे काम चल रही है, ठीक है, बाकी भी चल रही है, ऐसा बात नहीं है, बट ये ज्यादा है सोलर। रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी के फॉर्म में, सस्टेनेबल एनर्जी के फॉर्म में, अल्टरनेट एनर्जी के फॉर्म में, आइडियल एनर्जी के फॉर्म में, सब कुछ चल रही है, ठीक है। लेकिन ग्रीन एनर्जी जो है, ग्रीन एनर्जी ऊर्जा को ग्रीन एनर्जी और एक नॉन ग्रीन एनर्जी के फॉर्म भी बांटा गया है, ठीक है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो होते हैं सारी के सारी ग्रीन एनर्जी, वो रिन्यूएबल एनर्जी है, जितनी भी ग्रीन एनर्जी है, क्योंकि रिन्यूअल को ग्रीन में मैंने बोल दिया, लेकिन एक्सेप्शन भी अपवाद भी है, यहाँ पे क्वेश्चन बन चुके यूपीएससी में, ठीक है ना, ग्रीन एनर्जी सारे का सारे रिन्यूअल होती है, लेकिन सारा का सारा रिन्यूअल एनर्जी ग्रीन एनर्जी नहीं होता, सोच लो, सारा का सारा ग्रीन एनर्जी रिन्यूअल है, लेकिन सारा का सारा रिन्यूअल ग्रीन नहीं है, कौन कौन से, जैसे कि आप देख लो, यहीं पे देख लो, लेकिन इससे पहले ये वाला पॉइंट रख लो, मैं यहां पे बता दूं, उसके बाद ये चीजें लेकर आके बताता हूं, एक रिन्यूअल नॉन रिन्यूअल समझ रहे हैं, उसके बाद एक ग्रीन एनर्जी नॉन ग्रीन एनर्जी के फॉर्म में समझे, कौन ग्रीन है कौन नॉन ग्रीन है, ठीक है, थोड़ा बहुत अपवाद है, वैसे हम लोग एक टर्म यूज करते रहते हैं कि रिन्यूअल ग्रीन सब एक ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्वेश्चन इस पे आया है यूपीएससी में, ईएससी के अंदर भी आया था, इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर, और पूछा जाएगा, तो ये समझ लेंगे, उसके बाद कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल समझ लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग कमर्शियल नॉन कमर्शियल समझ लेंगे, प्राइमरी एनर्जी और सेकेंडरी एनर्जी समझ लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिन्यूअल एनर्जी, नॉन रिन्यूअल एनर्जी को बांटा गया है फॉसिल के फॉर्म में और नॉन फॉसिल के फॉर्म में, फॉसिल्स जीवाश्म के फॉर्म में, जैसे कि आप जानते हो प्लांट्स वगैरह एनिमल्स वगैरह डेड होते हैं तो ट्रैप होते हैं सॉइल के अंदर, हाई टेम्परेचर प्रेशर के अंदर ये क्या हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर प्रेशर के अंदर ये सारे समय के साथ कन्वर्ट हो जाते हैं कोल पेट्रोलियम में, ठीक है। तो ये फॉसिल्स के अंदर आप जानते हो, फॉसिल्स के अंदर कोल आ गया, पेट्रोल आ गया, पेट्रोलियम में ऑयल वगैरह जानते हो, ठीक है, नेचुरल गैस आ गया, नेचुरल गैस, और कोल बेड मीथेन आ गया, कोल बेड मीथेन आ गया, ठीक है, सेल गैस आ गया, कोल बेड मीथेन, सेल गैस आ गया, सेल रॉक से मिलता है इसलिए सेल गैस बोलते हैं, एक्चुअली तेल भी निकलता है वहां से, सेल रॉक से तेल भी निकलता है, गैस भी निकलता है, अमेरिका सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है अभी, वो बताऊंगा कहां का डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिया में भी बताऊंगा, कृष्णा गोदावरी बेसिन क्या है, कावेरी बेसिन क्या है, सब जगह बताऊंगा कहां का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये फॉसिल्स का फॉर्म है कि जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो गए मरने के बाद, हाई टेम्परेचर प्रेशर पर मिट्टी के अंदर कन्वर्जन हो गया, कोलिफिकेशन हो गया, तो कोल बन गया, बाकी पेट्रोल वगैरह खत्म हो गए, बन चुके हैं, ठीक है, या गैस वगैरह बन गया। इनकी कहानी इसलिए नहीं बता रहा हूं बिकॉज ये चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ये सारा चीज बाद पढ़ेंगे, पहले रिन्यूअल पढ़ेंगे, तब जाके फॉसिल्स वाला पढ़ेंगे, उसकी भी थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी है, मेन जानकारी ज्योग्राफी के अंदर होगा, थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे और इसकी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे कि सोलर थर्मल क्या है, पेट्रोलियम कहां यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, बाकी जो इसकी मेन जानकारी हो ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। नॉन फॉसिल्स में क्या है, न्यूक्लियर, क्या कहते हैं, यूरेनियम, ये ऐसा नहीं यूरेनियम कि कोई आदमी क्या कहते हैं मर गया, कोई जानवर मर गया, कोई पौधा मर गया, वो यूरेनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, यूरेनियम एक एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में एक एलिमेंट है यूरेनियम, ठीक है ना, तो ये कोई जीवाश्मों से नहीं बनता है, ये कोई पौधा मर गया, कोई एनिमल मर गया, वो यूरेनियम बन जाएगा कभी नहीं, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है, जो पीरियोडिक टेबल कार्बन जानते हो, हाइड्रोजन जानते हो, ऑक्सीजन जानते हो, नाइट्रोजन जानते हो, सल्फर, क्लोरीन, फॉस्फोरस, ये सारी जानते हो ना, उसी तरीके से यूरेनियम है। थोरियम भारत में 6,60,000 डिपॉजिट है इंडिया के अंदर, थोरियम 6,60,000 डिपॉजिट टन के अंदर में है, टन में डिपॉजिट है, सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिट इंडिया में है, केरला में मालाबार कोस्ट में जाओगे तो मोनाजाइट सैंड है, मोनाजाइट सैंड से थोरियम निकलती है, ठीक है, तो 6,60,000 टन भारत में सबसे ज्यादा डिपॉजिट है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डिपॉजिट भारत में है 6,60,000 टन, और वो हमको देगा 2500 साल तक ऊर्जा दे सकता है अगर हमने टेक्नोलॉजी बना ली, और टेक्नोलॉजी क्या है वो न्यूक्लियर एनर्जी में बात करेंगे, 2500 साल तक हमको थोरियम एनर्जी दे सकता है, तो आगे कई जनरेशन तक काम चलेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा, वो टेक्नोलॉजी क्या है न्यूक्लियर में पढ़ेंगे।
करेंगे, ठीक है। थोरियम, जर्कोन के, जर्कोन नाम सुना आपने, जर्कोनियम सिलिकेट, सिलिकेट जर्कोनियम, जर्कोन भी पावर इंडस्ट्री में यूज की जाती है, अलग अलग इंडस्ट्री में भी यूज की जाती है जर्कोनियम, ठीक है। तो जर्कोनियम एक, ये भी आप नॉन फॉजिस में रखेंगे, जीवाश्म के अंदर नहीं आती है। जीवाश्म वो है जो प्लांट्स वगैरह डीके होते हैं, मरने के बाद एनिमल्स डीके होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं समय के साथ। ये तो एलिमेंट है, ये थोड़ी ना प्लांट वगैरह से बनेगा, ये तो नेचुरल एलिमेंट प्रेजेंट है। और ये कैसे है, बहुत लोग से पूछना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट होती है वो कहां से आई, वो कहां से आई। इसकी कहानी अगर मैं बता दूं, स्टार नहीं होता तो कोई एलिमेंट्स, मैक्सिमम एलिमेंट्स नहीं होते, मैक्सिमम एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स अलग अलग जगह बने हैं। ये बिग बैंग के बाद स्टार फॉर्मेशन जो बाद में जाके हुई है, उसी दौरान ये सारे एलिमेंट्स बने हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान रिएक्शन करके, कोई ऐसे नहीं बना है ये। तो स्टार में समझ जाओ कि मैक्सिमम, अभी थोड़े ब्रॉड लेवल बता दूं, मैक्सिमम जो एलिमेंट्स आप पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी के जो पढ़ते हो, वो सारे के सारे स्टार में बने हुए, तारों के अंदर बने हुए, न्यूक्लियर फ्यूजन ऐसे नहीं बने हैं, ठीक है ना। ये वाले जो यूरेनियम थोरियम आप पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी पढ़ते हो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस नियॉन, जितनी पड़े हुए ना, सब कुछ की बात कर रहा हूं, सब स्टार के अंदर बना हुआ, मैक्सिमम मैक्सिमम, और भी कुछ प्रोसेस है लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टार के अंदर बना हुआ, ठीक है। इसकी डिटेल फिजिक्स है, बाइंडिंग एनर्जी को पढ़ना पड़ता है, स्टार को देखना पड़ता है, स्टार की फॉर्मेशन कैसी है, रिएक्शन पहला क्या हुआ, और बाइंडिंग एनर्जी के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कौन सी एलिमेंट क्या बन रही है, ठीक है, वो बात की बात है। तो ये हो गया। अब जिसको मैंने बताया रिन्यूअल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी है, ये चीजें हैं, नॉन रिन्यूअल एनर्जी मैंने बताई थी, नॉन रिन्यूअल एनर्जी को आप लोग ब्राउन एनर्जी के नाम से जानते हो, ब्राउन एनर्जी, ब्राउन एनर्जी। अब ब्राउन एनर्जी, ब्राउन जहां आया वो गड़बड़ है, वो गड़बर है ब्राउन एनर्जी, ग्रीन जहां आया वो सतत है, वो सही है, इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ब्राउन जहां पे आया गड़बर है, कैसे गड़बर का मतलब ब्राउन कोल, ब्राउन कोल कौन सा कोल होता है, ब्राउन कोल लिग्नाइट जो होता है, लिग्नाइट उसको ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं, लिग्नाइट, ये घटिया क्वालिटी का कोल है, एक्चुअली कोल ही नहीं है ये, इसको तो टेक्निकली पूछोगे मुझसे तो कोल ही नहीं है, यूपीएससी की किताबों में गलत लिखा रहता है, टेक्निकली ये कोल नहीं है, हाई लेवल की बुक्स पढ़ोगे लिग्नाइट को कोल नहीं माना जाता है, आगे से पढ़ोगे बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस उसके बाद एंथरसाइट, ये सारी कोल के अंदर आती है, लिग्नाइट को, लिग्नाइट बोल रहा हूं, पीट की बात कर रहा हूं मैं, पीट, ठीक है। तो ये जो है, ये जो मैंने बताया कि पीट जो है ये आपको कोल के अंदर, जैसे ब्राउन कोल की बात कर लूं, पीट की बात कर लूं, पीट जो है ये नहीं आता है कोल के अंदर, लिग्नाइट आती है, बिटुमिनस सब बिटुमिनस और एंथरसाइट ये सारे कोल के अंदर आते हैं, पीट कोल के अंदर नहीं आता है, ये इनिशियल स्टेज है फॉर्मेशन का, लिग्नाइट नहीं था, पीट है, पीट, पीट, ठीक है। तो ये सबसे घटिया क्वालिटी का कोल बोल सकते हो या कोल नहीं भी है, ये कोल की फॉर्मेशन की पहली स्टेज है अभी, ऐसा बोल सकते हो पीट के बारे में। तो जो ब्राउन है, ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट, लिग्नाइट को ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो लिग्नाइट भी उतनी अच्छी क्वालिटी की कोल नहीं होती, आपको पता होगा। तो ब्राउन जो है वो ऐसा है कि अच्छा नहीं होता ना, ठीक है। ग्रीन अच्छा माना जा रहा है, ग्रीन हरित, ब्राउन उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ब्राउन कोल के फॉर्म में आप लिग्नाइट जानते हो, लिग्नाइट ब्राउन से रिलेटेड है। एक एशियन ब्राउन क्लाउड है, एशियन ब्राउन क्लाउड जो आप जानते हो यूएनईपी के द्वारा स्टडी की गई थी, यूएनईपी ने बताया कि साउथ एशिया में 3 से 4 किलोमीटर ऊपर एक क्लाउड बनी हुई है, लगभग 3 किलोमीटर के थिकनेस का लेयर है, 3 किलोमीटर के थिकनेस का लेयर, और उसमें क्या है, पार्टिकुलेट मैटर, एरोसेल्स वगैरह और डस्ट वगैरह उसके अंदर सारे हैं। तो ब्राउन का मतलब देख रहे हो ना, ब्राउन क्लाउड, ब्राउन मतलब सही चीज नहीं है, इसलिए नॉन रिन्यूअल जो कोयला वेला है ये सही नहीं है, पॉल्यूशन करता है, इसलिए ब्राउन एनर्जी बोलते हैं हम लोग इसको, नॉन रिन्यूअल को, ठीक है। ये हो गया ब्राउन क्लाउड के बारे में, ब्राउन कोल के बारे में, ब्राउन एनर्जी मैंने बता दिया, उसी तरीके से ब्राउन कार्बन भी होता है, ब्राउन कार्बन, जैसे सूट पढ़ते हो तो सूट, अनबर्नड कार्बन पार्टिकल, ऐसे कार्बन पार्टिकल जो पूरे अच्छे तरीके से जले नहीं है, अनबर्नड कार्बन पार्टिकल जो होते हैं, जैसे कि सूट पार्टिकल, ब्राउन सूट ब्लैक सूट, तो ब्लैक सूट अलग होता है, ब्राउन सूट अलग होता है। ब्राउन सूट तब बनता है जब लो कैलोरीफिक वैल्यू का फ्यूल जब बने, वुड, लकड़ी को जलाओगे, कंडा वगैरह जलाओगे, और उसके साथ साथ आप जैसे कंडा मतलब गोबर का जब जानते हो कि कंडा जलती है, और लकड़ी जलाओगे तो इससे जो निकलती है, जो कार्बन निकलती है वो ब्राउन कार्बन होती है। तो क्योंकि ये लो कैलोरीफिक वैल्यू का फ्यूल है, चाहे लकड़ी ले लो चाहे कंडा ले लो, ये लो कैलोरीफिक वैल्यू का फ्यूल है, इससे जो सूट पार्टिकल निकलती है उसको ब्राउन कार्बन के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्राउन मतलब कि गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ठीक है। ये चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, उतना अच्छा नहीं है। तो ब्राउन एनर्जी ये हो गया ब्राउन एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, नॉन रिन्यूअल एनर्जी, और ग्रीन मतलब ये हो गया। अब क्या है कि ग्रीन एनर्जी रिन्यूअल एनर्जी होता है, लेकिन हर रिन्यूअल एनर्जी ग्रीन एनर्जी नहीं होता है, वाइस वर्सा सही नहीं है, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी रिन्यूअल एनर्जी है,
लेकिन हर रिन्यूअल एनर्जी ग्रीन एनर्जी नहीं है। तो ग्रीन का मतलब होता है इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। अब रिन्यूअल में अपने हाइड्रो को लिखा, अगर लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट आपने बनाया है तो क्या होगा, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट रिजर्वायर इकट्ठा करते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं और लैंडस्लाइड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। लैंडस्लाइड्स होते हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, प्लेट्स के मूवमेंट हो जाते हैं, सुनामी या कहते हैं सुनामी इन द सेंस की अर्थक्वेक आ जाते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं, इससे लार्ज माइग्रेशन होता है पीपल का, एक जगह से दूसरी जगह लोग भागने लगते हैं। कौन रुकेगा भैया, लैंडस्लाइड हो रहा है, कौन रुकेगा वहां पे। तो वो रिन्यूअल तो है लेकिन ग्रीन है क्या, नहीं है। देख लो भैया, ग्रीन कैसे है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है ना। लैंडस्लाइड हो गया, क्या एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स का प्लेट मूवमेंट हो गया, क्या एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, अर्थक्वेक आ गया, अर्थ शेकिंग हो गई, क्या एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, नहीं है वो। इसीलिए रिन्यूअल एनर्जी तो हाइड्रो है लेकिन ग्रीन नहीं है, क्योंकि ग्रीन का होने के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना जरूरी है। और लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट से तो लैंडस्लाइड हो जाते हैं कभी कभार, आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये इसीलिए हाइड्रो एक एग्जांपल है जो रिन्यूअल है लेकिन ग्रीन नहीं है। उसके फॉर्म में एक लकड़ी का जलाना, बायोमास, तो लकड़ी है, लकड़ी तो ठीक है भैया, रिन्यूअल एनर्जी है, सोलर एनर्जी से सब कुछ बना, फोटोसिंथेसिस हुआ, लकड़ी बनी, ठीक है ना। लेकिन लकड़ी को जलाओगे तो क्या पॉल्यूशन नहीं होता है, पॉल्यूशन होता है ना, सूट पार्टिकल निकलते हैं ना, ब्राउन सूट जो मैंने बताया आपको, ब्राउन सूट, तो क्या वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, नहीं है। लेकिन ब्राउन जो क्या कहते हैं, लकड़ी जो है वो रिन्यूअल एनर्जी है, रिन्यूअल एनर्जी है, फोटोसिंथेसिस से बनी है लकड़ी, लेकिन लकड़ी को जलाने के बाद एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीजें नहीं निकलती है, पॉल्यूशन होता है, इसलिए रिन्यूअल एनर्जी होते हुए भी ग्रीन एनर्जी नहीं है। तो दो एग्जाम्पल मैंने बता दिया, हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं वो रिन्यूअल है लेकिन ग्रीन नहीं है, क्योंकि जानते हो लैंडस्लाइड करा रहे हैं। उसके बाद बायोमास के फॉर्म में ऊंट को जलाओ, लकड़ी को जलाओ, तो लकड़ी जलाओगे तो पॉल्यूशन होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। वो भी कौन सा पॉल्यूशन, सूट पार्टिकल निकलेंगे, सूट में भी कौन सा सूट निकलेंगे, ब्राउन सूट निकलेंगे, है ना, ब्राउन कार्बन के फॉर्म में, क्योंकि लो कैलोरीफिक वैल्यू की जो फ्यूल होती है, जैसे लकड़ी जला दो, कंडा जला दो गोबर का, वो लो कैलोरीफिक वैल्यू है, इसके अंदर लो कैलोरीफिक वैल्यू होगी तो सूट पार्टिकल निकलेगा ब्राउन वाला, और हाई कैलोरीफिक वैल्यू की फ्यूल जलाओगे, कोयला जला दो, पेट्रोल जला दो, उसमें जो सूट निकलेगा वो ब्लैक सूट निकलेगा, ठीक है। तो वो चीजें ध्यान रखनी है कि जो बायोमास है, बायोमास है लकड़ी जो है, लकड़ी को जलाओगे तो पॉल्यूशन होगी, ठीक है, तो वो ग्रीन नहीं रहा, रिन्यूअल है लेकिन ग्रीन नहीं रहा, क्योंकि ग्रीन होने के लिए इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना जरूरी है, और पॉल्यूशन होगा तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो नहीं है भैया, इंसान के लिए हानिकारक है, हेल्थ के लिए। और हाइड्रो लैंडस्लाइड करा दे रहा है, लैंडस्लाइड करा दे रहा है, प्लेट टेक्टोनिक्स हो जा रही है, प्लेट के मूवमेंट हो जाते हैं, हाई वेट के कारण रिजर्वायर इतना हाई वेट देता है, पानी को इकट्ठा करते हैं ना हाइड्रो पावर प्लांट में, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट में। तो इसीलिए सारे रिन्यूअल है लेकिन कुछ ऐसे रिन्यूअल है जो ग्रीन नहीं है, हाइड्रो एंड बायोमास के फॉर्म में आप जान सकते हो, लकड़ी वुड को बोल रहा हूं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑल रिन्यूअल एनर्जी आर नॉट ग्रीन एनर्जी, एग्जांपल हाइड्रो एंड बायोमास मतलब कि लकड़ी, और ऑल ग्रीन एनर्जी या रिन्यूअल एनर्जी, जितने भी ग्रीन है वो तो रिन्यूअल होंगे लेकिन हर रिन्यूअल एनर्जी ग्रीन नहीं होगा। दो एग्जांपल मैंने बता दिया, रिन्यूअल होने के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली होना पड़ेगा, एनवायरमेंट को क्षति नहीं पहुंचाओगे, चाहे पॉल्यूशन के फॉर्म में हो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, एनवायरमेंट में क्षति नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया, ये क्वेश्चन आ चुका है ईएसी के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स में आप जानते हो कि फॉसिल फ्यूल्स की पेलियोबॉटनी जो स्टडी होती है, पेलियंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, पेलियंटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, इसके पिताजी हैं, फादर ऑफ पेलियंटोलॉजी इज लियोनार्डो डी विंसी, लियोनार्डो डी विंसी और डा विंसी बोलते हैं, वो फादर ऑफ पेलियंटोलॉजी है, मतलब पेलियंटोलॉजी जो स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स मतलब जीवाश्मों की स्टडी की जाती है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ समझना है कि ये जीवाश्म के बारे में, ये कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोल बेड, मिथेन, सेल गैस, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बाद में, पहले पढ़ेंगे ये, और उसके बाद पढ़ेंगे यूरेनियम और थोरियम के बारे में जानकारी, न्यूक्लियर एनर्जी में, न्यूक्लियर जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक ब्रॉड डिस्क्रिप्शन आपको मिल चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि आगे इसमें क्या क्या करना है, लेकिन अभी के फॉर्म में आप इतना ध्यान रखना है कि सारे के सारे ग्रीन एनर्जी रिन्यूअल हो जाए, सही है कि गलत है, तो सही है, सारी की सारी ग्रीन एनर्जी रिन्यूअल होती है, लेकिन हर रिन्यूअल एनर्जी ग्रीन नहीं होगी, सारे रिन्यूअल है लेकिन ग्रीन नहीं है। हाइड्रो, हाइड्रो ग्रीन नहीं है क्योंकि ये करता है लैंडस्लाइड, तो हानिकारक है एनवायरमेंट के लिए। बायोमास में देख लो कि आप लकड़ी को देख लो, लकड़ी जलाओगे पॉल्यूशन करेगा, रिन्यूअल होते हुए भी पॉल्यूशन कर रहा है, इसलिए ग्रीन नहीं है। ग्रीन होने के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली होना पड़ेगा, तो जो इसमें से एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है वो ग्रीन नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वाइस वर्सा नहीं है, ऑल ग्रीन एनर्जी आर रिन्यूअल एनर्जी, लेकिन हर रिन्यूअल एनर्जी ग्रीन नहीं होगा। एग्जांपल के फॉर्म में हाइड्रो और बायोमास के फॉर्म में ले लो, वुड को ले लो, लकड़ी को ले लो, ठीक है। तो ये हो गया एक नया वो। अब उसके बाद कन्वेंशनल फॉर्म में देखो, तो कन्वेंशनल फॉर्म वो फॉर्म होती है, कन्वेंशनल फॉर्म एनर्जी जो पहले से यूज हो रही है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पावर हम उससे निकाल रहे हैं, बहुत पहले से ही यूज हो रही है, हम उस पर डिपेंडेंट है और बहुत ही ट्रेडिशनल रूप में चल रही है, ट्रेडिशन का भाग है हमारा और वो बहुत पहले से चलते आ रही है, उसी से हमारी ऊर्जा की खपत होती है, उसी से ऊर्जा की हमारी जो पूर्ति होती है, ट्रेडिशनल फॉर्म में चलती आ रही है। तो कोयला,
अब बताओ सोलर का ट्रेडिशनल फॉर्म यूज कर रहे थे? नहीं, ये सारी चीजें नहीं है। हाइड्रो यूज की जा रही थी, पहले से ही हाइड्रो पावर प्लांट यूज किया जा रहा था, ये कन्वेंशनल हो गया। ठीक है, देखो रिन्यूअल में को नॉर्मली लोग बोल देते हैं नॉन कन्वेंशनल, लेकिन देखो रिन्यूअल में भी कुछ ऐसे एग्जांपल है जो कन्वेंशनल है। एक्चुअली रिन्यूअल में लोग लिखते हैं नॉन कन्वेंशनल, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जांपल है जो कन्वेंशनल है। हाइड्रो, हाइड्रो अब ट्रेडिशन में यूज हो रहा है, बहुत पहले से ऊर्जा बना रही है हाइड्रो पावर प्लांट और हमारी पूर्ति को कंप्लीट कर रही है, वो दे रही है। तो ये कन्वेंशनल का फॉर्म है हाइड्रो। और क्या है कन्वेंशनल के फॉर्म में? हाइड्रो के अलावा और कौन सा कन्वेंशनल फॉर्म होगा? देखो टाइडल हो गया, जियोथर्मल, ओटेक, बायोमास, ये सारी की सारी क्या है? अभी यूज हो रही है। मतलब नॉन कन्वेंशनल वो फॉर्म होती है जो एक पुराना कंसेप्ट है लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। पहले का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता था लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था। और बोल सकते हो कि न्यू कॉन्सेप्ट है, अभी प्रोडक्शन करना स्टार्ट किए हैं, या पुराना कॉन्सेप्ट था लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, अभी प्रोडक्शन करना चालू किए हैं। जैसे सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, ओटेक, ये सारा क्या है? नया कॉन्सेप्ट एक तरीके से, अभी अभी तो स्टार्ट किए हैं बनाना। ये कन्वेंशनल नहीं है, नॉन कन्वेंशनल है। ठीक है, ये न्यू पार्ट है, नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसी तरीके से कोयला, पेट्रोल, इससे पहले से ही निकालते आ रहा हो, ये कन्वेंशनल नहीं है, नॉन कन्वेंशनल है। ये तो ट्रेडिशनल फॉर्म में पावर प्लांट भी यूज हो रही है। पावर प्लांट में कब से चल रहा है ये सारी चीजें? एनर्जी बनाई जाती है इससे, ट्रेडिशनल फॉर्म में हमारी पूर्ति कर रहा है। कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस से काम चल रही है। कोल बेड भी थे सेल, अब सेल पता है अमेरिका अभी निकालना स्टार्ट किया है, तो अभी इससे प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है। तो ये कन्वेंशनल नहीं है, ये नॉन कन्वेंशनल होगा, अभी नया कॉन्सेप्ट है, नहीं अभी निकालना स्टार्ट हुआ है, अभी अभी तो इसकी टेक्नोलॉजी सब काम स्टार्ट हुई है, अभी अभी तो हमको एनर्जी इससे मिलना स्टार्ट हुआ है। तो ये नया कॉन्सेप्ट है, कोल बेड और सेल गैस, ये कन्वेंशनल नहीं है, ये नॉन कन्वेंशनल है। ठीक है, तो कन्वेंशनल का मतलब ट्रेडिशन का पार्ट है, बहुत पहले से यूज हो रहा है, हमारे एनर्जी की पूर्ति करते आ रहा है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है। नॉन कन्वेंशनल का मतलब अभी नया नया है, न्यू कॉन्सेप्ट है, या पुराना भी है तो पुराना उतना एनर्जी हम तो देता नहीं था, पुराना एनर्जी हम उतना उस पहले हम उतना निकालते नहीं थे एनर्जी, अब एक निकालना स्टार्ट किए हैं, इस तरीके समझ सकते हो। नया है या तो पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन एनर्जी उस समय निकाली नहीं जाती थी, अब जाके निकालना स्टार्ट किए हैं। ऐसे भी कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल को समझ सकते हो। ठीक है, तो कन्वेंशनल कोल पेट्रोलियम समझ सकते हो, कोयला कब से यूज हो रहा है। नॉन कन्वेंशनल कोल्ड बेड भी थे, कोल बेड मिथेन नेचुरल गैस के फॉर्म में होता है, सेल गैस भी नेचुरल गैस के फॉर्म में होता है, ये सारा अमेरिका तो सेल गैस अभी निकालना स्टार्ट किया है, तो नया कॉन्सेप्ट है ये, इसलिए नॉन कन्वेंशनल। हाइड्रो नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले से ही निकल रही है हाइड्रो से पावर, हाइड्रो पावर प्लांट तो कब से ऊर्जा दे रही है हमको, पावर प्लांट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इसलिए कन्वेंशनल है। सोलर अभी अभी सारा चीज हो रही है, अभी अभी स्टार्ट हुई है ये सारी चीजें, सोलर 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 चल रही है, नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये कन्वेंशनल नहीं है, नॉन कन्वेंशनल है। उसके बाद टाइडल भी नॉन कन्वेंशनल, जियोथर्मल नॉन कन्वेंशनल, ओटेक नॉन कन्वेंशनल, बायोमास अभी नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, नॉन फॉसिल्स में यूरेनियम की देख लो, न्यूक्लियर एनर्जी, अब न्यूक्लियर एनर्जी कन्वेंशनल लेकिन नॉन कन्वेंशनल बहुत बड़ा डिबेट है, बहुत सारे क्वेश्चन बुक में कुछ कभी कन्वेंशनल कभी नॉन कन्वेंशनल, कभी कन्वेंशनल कभी नॉन कन्वेंशनल ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं कन्वेंशनल इसको बोलूंगा। यूरेनियम जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी ये न्यूक्लियर का पार्ट है ना, यूरेनियम यूरेनियम, तो न्यूक्लियर एनर्जी है कन्वेंशनल बोलूंगा। क्यों? क्योंकि आप किसी एनर्जी को कन्वेंशनल बोल रहे हो कि नॉन कन्वेंशनल, ये इंडिया को देख के नहीं बोल रहे हो, वर्ल्ड वाइड देखते हुए बोल रहे हो। तो वर्ल्ड में यूएसए और जर्मनी या फ्रांस की बात कर लो, ये तो पहले से यूज कर रहे हैं भैया न्यूक्लियर एनर्जी, पहले से यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है तुम अपना मत देख लो भारत में कब से यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वर्ल्ड वाइड देखो ऊर्जा का खपत कैसे 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 ऊर्जा हम लोग निकाल पा रहे थे, वर्ल्ड को देखते हुए बनाया गया है कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल। तो इसीलिए जो बुक्स वाले लिख देते हैं कि नॉन कन्वेंशनल है, वो इंडिया को मत देखो भैया, मानता हूं इंडिया में प्रोडक्शन नहीं थी पहले, अब होना, अब ज्यादा स्टार्ट किया हूं, लेकिन यूएसए फ्रांस ये तो पहले से कर रहे हैं, जो पहले से कर रहे हैं तो ट्रेडिशन का भाग है, बहुत पहले से ऊर्जा निकाल रहे हैं हम न्यूक्लियर से, इसलिए इसको कन्वेंशनल में डालेंगे। ठीक है ना, है ना, ओल्ड कॉन्सेप्ट है ये, फ्रांस वगैरह और यूएसए वगैरह कब से न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर रही है, कब से बना रही है, इंडिया को देख के कहे चलते हो भैया, वर्ल्ड वाइड देखो ना, वर्ल्ड वाइड देख कर चलो कि भैया कन्वेंशनल क्या है नॉन कन्वेंशनल क्या है। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से मैंने बताया न्यूक्लियर को कन्वेंशनल में रखना। ठीक है, और नॉन रिन्यूअल में तो है ही, नॉन रिन्यूअल तो है ही, आप समझ लिया, मैंने पहले ही क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो ये चीजें है कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल के बारे में। अब बचा प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस, सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस, ठीक है, और एक कमर्शियल एक नॉन कमर्शियल। एक कमर्शियल एनर्जी सोर्स वो होता है कि भैया एनर्जी बनी है, इलेक्ट्रिसिटी बनी है, कोयला जला के चाहे जो भी जला के पैसा देना पड़ेगा, पैसा पैसा देना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा, कमर्शियल है, कमर्शियल लेवल पे बनाई गई ऊर्जा पावर प्लांट में पैसा देना पड़ेगा। तो कमर्शियल एनर्जी सोर्स वो सोर्स होती है, कोयला से बनाओ, पेट्रोल प्रोडक्ट से बनाओ, नेचुरल गैस से बनाओ, आप जो यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, लेकिन पावर प्लांट में यूज हुई है सारी चीजें, तो उसका पैसा देना पड़ेगा, फ्री में नहीं आया था। तो ये कमर्शियल एनर्जी सोर्स है। और एक नॉन कमर्शियल होती है कंडा,
आप कंडा पहले के जमाने में कंडा तो फ्री में मिल जाता था, आजकल पैसा देना पड़ता है बहुत जगहों पे। लेकिन आप कंडा को सोचोगे तो जो कंडा है या लकड़ी वगैरह है, फ्यूल वुड है, काउ डंग है, एग्रीकल्चर का वेस्ट है, ये तो नॉन कमर्शियल है, ज्यादा पैसा वैसा इसमें देने की बात नहीं थी। अब हो रहा है, समय बदल रहा है, लेकिन इसको नॉन कमर्शियल में रखा गया था कि भैया इसके लिए फ्री चीजें हैं, ये इसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं। एग्रीकल्चर का वेस्ट हो गया है ना। उसके बाद जैसे कि आप जानते हो कि हरियाणा में जो सारी चीजें जलाई जाती है, वो चीजों की बात कर रहा हूं मैं, जो स्ट्रॉ होती है ना, व्हीट स्ट्रॉ जो हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, काउ डंग हो गया, फ्यूल वुड हो गया, लकड़ी वगैरह हो गया, ये चीजें ऐसी मानी जाती थी कि इसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री कॉस्ट के लिए है। लाइट गया,